है तब तो हम बोलेंगे इसके हम ट्रीटमेंट करवाएंगे आपको, खर्चा को उठाना करा देंगे, अगले बार हम डाल देंगे। और हम बाहर से ऐसे भी पता लग कर रहा है उसका क्या हुआ है, ठीक है ना, हम दोनों देखेंगे। अगर गाय से ही है हम अगर उसको अगर करा सकते हैं चाहे तीन बार भी उसका अपने कराया नहीं फिर भी हम करेंगे। अब कोई सा भी गाय ऐसा है जिसको हम देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें जो है आपका जो है मतलब अंदर है दिक्कत है, उसके लिए सुधार करना पड़ेगा, उसके लिए सलाह आपको देंगे। आप अगर थोड़ा सा खर्चा भी करेंगे तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। हमारा पास क्या है वो जो है कैमरा वाला यह जान जिससे मैं यह करता हूँ, मैं अंधेरे में ऐसे हाथ डाल के नहीं करता। जब हम करते हैं कैमरा वाला यह जान से उसमें क्या होता है, जब हम डालते हैं इंजेक्शन है तो जितने फायदा है तब आपको हम बताएंगे उसका जो है आप जो है ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हीट हम दो तरीके से करेंगे, जैसे गाँव में आ गए आपके फॉर्म में बन आपका गाय, ठीक है। पहले दिन आके हम जो है पेड़ की कीड़ा मारने का दवाई देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर अंदर रहेगा उसका शरीर नहीं उठेगा, और अगर भगवान है खुदा का वास्ते अगर वो गाभिन हो गए, ठीक है, तो वो कभी भी आपको जो दिक्कत कर सकता है, बच्चा ग्रहण का कोशिश कर सकता है। इसीलिए गाभिन करने से पहले आपको हम पिया मरने का दवा धीमे देंगे, वो खिलाएंगे एक साल तक कोई चिंता नहीं, एक साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ती। डीवॉर्मिंग कौन कौन करावे आपने में से? नहीं
बोले स्वीकार करेंगे। ठीक है, बहुत सारा पशु ऐसा है आपके पास जो है 21 दिन बाद आना चाहिए, वो नहीं आता है तो पहले आता है या तो कभी आता ही नहीं, 3 महीने 4 महीने बाद। तो इसके लिए एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल होता है जिसको नाम GPP बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन पोस्टाट्रोपिन। ये एक तरह के हार्मोन होता है, उससे हम क्या करेंगे, जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज हम आपका पशु जी है गोनाडोट्रोपिन जैसे रिसेप्टर है या तो आपका डायग्नोसिस है, 5 सेकंड के इंजेक्शन आज लगा देंगे एक टाइम में किसी भी टाइम में, क्योंकि हमें जो है सुनसर AI करना है वो हमारे हिसाब से करना है, तो वो हिसाब को पूरा करने के लिए हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप समझ लीजिए शाम को 4 बजे आपके गांव में आके पहले दिना सोमवार आप जो है एक इंजेक्शन लगा देंगे 5 सेकंड का, फिर अगले सोमवार फिर जो है हम लोग पी पुस्तक करेंगे, ठीक है, वो हम प्रेरणा वो लगा देंगे हम भोग लगा उसी टाइम, अगर 4 बजे तो 4 बजे शाम को, फिर उसका 2 दिन बाद बुधवार को फिर हम उनका पहले दिन लगाया था पहले से रिसेप्टर वो भी लगा देंगे 5 बजे 4 बजे, उसका 12 घंटे 24 घंटे तक ये 8 घंटा मिलता है हमें यहाँ पे, हम वो फिर आ जाएगा बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे से लेके इधर 4 बजे तक, क्योंकि हिट क्या है मतलब ये पहिया गोबर होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर पहिया चलेगा तो यहाँ आके उदय रहेगा, ऐसे ही पशु का गोबर में खेती ऐसा रुख दिया है जब तक वो गाय या बछिया गाभिन नहीं होगा तब तक वो 21 दिन बाद वो हिट में आएगा ही आएगा, चाहे आप पहचान लो चाहे आप पहचान ना लो। वो जब भी बोलते हैं ना हिट तो आया ही नहीं, अरे भाई हिट तो आया है, वो अगर प्रेग्नेंट नहीं है या तो कोई बीमार सिस्ट अगर है अंदर तो वो जो है फोर्थ प्रेगनेंसी का, लेकिन अगर पशु स्वस्थ है कोई बीमारी नहीं है तो 21 दिन बाद हिट में आएगा ही आएगा, आपको उसी का ध्यान रखना है। और वो हिट भी बहुत तरह की होता है, कभी कमजोर होता है कभी जो ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक होता आप देख ही लो कमजोर होगा आप देख ही पाओ, तो वो सब चीज को कंट्रोल करने के लिए हम जो है GPG लगाने से हमें क्या होगा, हमें पता है कि हमने ये आखिरी इंजेक्शन हमने 4 बजे लगाया 16 घंटे हमें जो है दिन डालना है तो उसमें कन्फर्म है। ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, तब आपका जो है गाभिन नहीं होगा।
अभी लगातार 3 दिन करवाना क्या मामला? वो तो हो गया ना जंगल में जाके वो हाथ से शिकार कर किसी ना किसी ने तो लगेगा, ये वो वाली बात है। ठीक है अब गाँव में करवाना 3 दिन अंडा निकलता है और जब हम बीज डालते हैं जब हम खाद से करेंगे सबको कितना करोड़ों बीज जाएगा, जब हम कन्वेंशनल से करेंगे उससे जो है आपका मतलब आपका करीब 3 करोड़ के आसपास 3 करोड़ के करीब बीज जाएगा। जब हम डालेंगे हमारा वाला में आता है काम, लेकिन एक अंडे को एक ही बीज चाहिए, एक ही विटामिन चाहिए। हम 6 सिंगल गेट दिए और अगर उसमें अगर दो गए तो दो बच्चा होगा, ऐसे अभी हुआ है, लेकिन एक ही विटामिन चाहिए। ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि अब वो है ना वो अभी भी डाल रहा है, 6 घंटा बाद भी डालेगा, वो भी डालेगा, उसका तो अब वो गाय का वो है पावन है। लेकिन क्या है सब चीज साइंटिफिक होना चाहिए, आप हम लोगों को पता होना चाहिए कब निकलेगा कब अभी तोड़ना है कब जाके वो काट लेगा, इसीलिए हम जो है इससे हमें पता है हेलो वो वहाँ से निकल रहा है हमें यहाँ से है ये जाके भैया मैं डॉक्टर हाथों हाल है इसको जाने में इतना टाइम लगेगा, ये भी जिंदा है कल सो जाए। तो मीटिंग में इंजेक्शन अटसैनी ये जो है खराब नहीं करते। अब जैसे अब सबका वो है क्वेश्चन है क्या बोलते हैं गाय रुकता नहीं, गाय ना रुकने का कारण ये है जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया आपके घर पर मैं आता आदमी जाएगा ठीक है ना, सबसे पहले हाँ जैसे मैंने आपको पूछा कि भीड़ कब आया अपने से नहीं बताया मैंने नाम कहा यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो टाइम लगेगा क्योंकि ये जो
है एक सेकंड में 3 mm खरीद सकता है एक किटम, ठीक है ना, हमको टाइम नहीं देना, इसलिए हम जो है शादी स्टोर करा के बच्चेदारी के जो तो बोर्डी है उसमें हम डालते हैं, वहाँ से वो भाग लेते हैं। कभी भी हम जो है हॉर्न पे नहीं डालते हैं, हम बोर्डी पे डालते हैं। हॉर्न पे इसलिए नहीं डालते हैं, ये अवेली है, ये अवेली है, ये यहाँ से अगर एक अंडा आ गया, ठीक है, अगर हम इस हॉर्न पे डाल दिया तो ये वापस आके इधर नहीं जा सकता, इसलिए हम ऐसे जगह पर डालते हैं जहाँ से वो दोनों तरफ जाए, जहाँ से भी उसका अवेली से वो एक अंडा आएगा उससे जाके वो ये है। इसीलिए हम बोलते हैं पशु अगर रात को हिंड पे आया तो सुबह बता दीजिए, 12 घंटे हो गए, ठीक है, आप लगा लीजिए, आप देखते हैं उसके 4 घंटे पहले हो गए होंगे, 16 घंटा आ गया। अब अगर हिंड अगर चलता रहता है तो जब जो है उसके बाद जो है आप 4 बजे के आसपास आ गए। अगर हम ये लगाएंगे बहुत सारे पशु है गाँव में, तो वही पशु है 3 दिन तक रहेंगे गाँव में, तो वही पशु है सब 3 दिन ही कराए डॉक्टर से।
अभी अगर आपको अगर बड़प वाला कहाँ कोल्ड स्टोर कोल्ड स्टोर नहीं वो दूसरा पहाड़ है ग्लेशियर नहीं वहाँ पे जाकर अगर आपको अगर पटक देंगे कैसा लगेगा अब वहाँ से उठा के अगर आपको अगर राजस्थान में गिरा देंगे गर्मी कैसे लगेगा ऐसे ही है इसको जब वहाँ से है इसलिए इसका है उसको वहाँ से किसी भी हवा में आप 10 सेकंड ही रख सकते हैं 10 सेकंड बाद आपको उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा लिक्विड नाइट्रोजन में नहीं तो जहाँ उसको गर्मी लग गया वो जो है मर जाता है ठीक है इसलिए हम क्या करते हैं जो केमिस्टर है इसको हम जो है 37 मतलब इसका नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे तब वो जो है जिंदा हो जाएगा इसको बोलते हैं कोई नहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसको क्या करते हैं ये कीड़ आता है या तो आप जो है चौड़ा पत्थर लीजिए उसमें जितना ही पानी रखिए जितना वो डूब जाता है वो जो है इसको है ना वो डूबना चाहिए अगर वो लगता है मतलब वो मर गया हाँ इंसान आप नदी में छलांग मारो डूब जाओगे आप मर गए 3 दिन बाद आपका बॉडी निकल के आया क्या होगा तैरता है आया था उसमें डूबा इसको आप डूबाओगे छोड़ोगे इसमें अगर डूब गए तो वो जिंदा है कोई अगर वो तैर गया तो वो मरा हुआ है कोई भी हिस्सा अगर ऐसे करके होगा वो भी आपका जो है मरा हुआ है तो उससे जो है आपको उसी इसको कर जो बचाना चाहिए उससे नहीं करना जी जी बिल्कुल यही बातें बतानी है पशु आपका है पशु आपको है आपका है हम अगर बोलेंगे आपको कुछ में खराबी है इसलिए नहीं पानी होगा पानी में पहले पानी डालो उसके बाद उसमें गर्म पानी डालेगा गर्म पानी जो है वो 37 डिग्री होता है मतलब 35 से 37 डिग्री तक ये जो है सही है ठीक है ना पॉइंट जो है जिसका बोलता है 35 से 37 तक सही है लेकिन आप 37 इसलिए रखते हैं ठीक है ना क्योंकि यहाँ से निकल के वहाँ रखेंगे अब वो रहेगा गर्मी में 30 सेकंड के लिए उस डॉक्टर साहब को घड़ी भी देखना है पानी में 30 सेकंड पानी में गर्मी में 30 सेकंड सर्दी में 45 से 60 सेकंड ये छोटा छोटा बात जाके आपका गाड़ी ठहराएगा अब ये छोटा छोटा बात अगर कहीं पे गलती होगा तो गाड़ी नहीं ठहरेगा छोटा सा बात ठीक है ये हो गया ये आपको देखना है उसके बाद उसने लोडिंग कर लिया उसने यहाँ निकालने के बाद वो जब बीज डालेगा वो कम से कम ज्यादा से 5 मिनट उससे ज्यादा मैं तो उन्हीं थमी ना उसके बाद मैं गाय पकड़ देखते हैं सबसे बांध के रखो पहले देखो पहले चेक करो कोई निकला कोई किया गन नोट किया हो गया तीसरा हो गया ये 3 चीज जो है उसी डॉक्टर साहब के हाथ में होता है आपका तल जो है उस डॉक्टर साहब के हाथ में होता है क्या होता है मैंने पहले ही बताया गाय का बच्चेदानी है सीमेन अगर उसने अगर भेजा ही जाकर डालेगा बहुत सारे सब ऐसे है वो करता है लेकिन जो है डाल दिया अब इस स्पर्म को जो है अंदर घर में बहुत टाइम लगेगा तब तक उसका टाइम पास हो जाएगा बहुत सारे डॉक्टर साहब है जाते ही नहीं बहुत सारे डॉक्टर साहब है इसको घुसर के फोन पे डालते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ये पर मतलब जो है लिखा गया है आप जो है ये क्रोध करा के जो सब बॉडी है बच्चे लगे वहाँ पे वहाँ छोड़ने के बाद इधर भी जाए इधर भी जहाँ से भी मतलब ये छोटा छोटा चीज जब हम कैमरा से करेंगे तो आपको जो है सब कुछ आप दिखाएंगे ठीक है अगर यहाँ पे अगर गिराएंगे अब इससे बाहर उस मुंह के बाहर तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मतलब यहाँ से भी दिखता है जाते तो दिखाई देगी वो है ना चार्ज
है ना, है ऐसे बनाओ दोबारा कर दे।